वीडियो आई विल डिस्कस टॉपर्स कॉम्पी आदित्य श्रीवास्तव ही वॉज सिक्योर आरएनए रैंक फर्स्ट 2023। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस लाइक 10 क्वेश्चन फॉर 150 मार्कर एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 10 क्वेश्चन 250 वर्ड्स एंड दिस इज 15 मार्कर है और ये 10 मार्कर। तो लेट मी कंटिन्यू, दिस आर द 10 क्वेश्चन आई विल डिस्कस। तो ये रिमेनिंग आई विल आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो। दिस आर द योर क्वेश्चन एंड यू शुड आल्सो डाउनलोड द कॉपीज यू गो थ्रू द इन गूगल या क्रोम्स विजन आईएस टॉपर्स कॉपी एंड यू हैव टू डाउनलोड आल्सो एंड देन यू हैव टू चेक। दिस इज योर 11th नंबर क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सो बिग बिकॉज 250 वर्ड्स का 15 मार्कर है, तो थोड़ा बहुत ये आपका 2 पेजेस में लिखना पड़ेगा। तो दिस इज फर्स्ट पेज, दिस इज सेकंड पेज, दिस इज थर्ड पेज। तो यू शुड बी लाइक योर डायमेंशन 250 वर्ड्स में लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में भी आपके 50 वर्ड्स में रहना है। फिर बॉडी आप यहाँ पे कर सकते हैं 170 और आपको जो आपका कंक्लूज़न होगा वो आपका जाएगा 20 या 30 वर्ड्स का। कर लो ऐसे करके लिखोगे तो ठीक है। फिर हमको देखना है टॉपर्स की आपके अंडरलाइंस क्या हैं और उनकी कॉपीज में कैसे लाइक चैलेंजेस को, तो तुरंत 2 अंडरलाइन करते हैं। और कीवर्ड्स हो गए तो कोष्टक में लाइक ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। कोई कोट्स देना हुआ तो बड़े बड़े अल्फ़ाबेट में यूज़ करके लिखते हैं। तो हम यहाँ से टॉपर्स की कॉपी से यही सारा चीज़ सीखेंगे। और मैंने लॉट ऑफ टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करने से ये होता है और लिखने से पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको UPSC में सेलेक्शन उनका होता है जो PYQ करते हैं, PYQ से सीखते हैं, सिलेबस सीखते हैं, सिलेबस से जो रटते हैं। तो स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है तो आप ट्वाइस पढ़ेंगे, थ्राइस पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। आपको जितने भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिए गए हैं बियॉन्ड क्वेश्चन के नहीं जाना, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही लिखना है बस। तो लेट मी कंटिन्यू। फर्स्ट कीवर्ड ढूंढना है, डू यू थिंक देयर इज़ द नीड टू शिफ्ट फ्रॉम द लैंड प्रोडक्टिविटी। क्या हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है जो हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी है, लाइक 1 एकड़ में मान लो कि 10 टन गेहूँ होता है, तो अभी कम होता है इंडिया में, अदर कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है क्या। फिर टू इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, जो हमारी इरिगेशन है जो हम सिंचाई करते हैं वो हमारे फॉर इंडिया टू इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हम वाटर को मिसयूज़ करते हैं, उसी से हमारा लाइक ड्रिप सिस्टम आ गया, स्प्रिंकलिंग सिस्टम आ गया, फुहारे वाली कर रखते हैं। जस्टिफाइड जो आंसर, हमें आंसर को जस्टिफाइड करना कि हमें जो हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी है वो अभी जो इरिगेशन की प्रोडक्टिविटी है इंडिया में बहुत हाई है। देयर इज़ द नीड है, व्हाट आर द चैलेंजेस मेकिंग टू शिफ्ट, और जैसे हम अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे, एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारी ये कीवर्ड्स होते हैं एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो हम यहाँ से कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे कि द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन लो एट 60%, दैट द चाइना ओनली 130 इन द क्रॉपिंग इंस्टीट्यूट। तो अब मैंने पहले भी कंप्लेन किया था कि आप अदर कंट्री से कंपेयर करो कि चाइना में क्या प्रोडक्टिविटी, इंडिया की क्या प्रोडक्टिविटी है। तो वहाँ से जब कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा इंडिया में जो कोई भी क्रॉप्स हम कल्टीवेट करते हैं
तो वो हमारा 60% है। वही अगर हम चाइना में करते हैं तो वो हमारा डबल ट्वाइस हो जाता है। और हमारा जो हम पानी लाइक कोई क्रॉप्स में यूज़ करते हैं तो वो हम सेकंड टाइम, और इस बार यूपीएससी में आया क्वेश्चन भी आया था कि इंडिया के पास तो फर्टाइल लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो हमारे जो क्रॉपिंग सिस्टम है और इरिगेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो लॉट ऑफ जो हमारे मेंस के थ्रू से हम करेंगे क्वेश्चन तो हमारे प्रीलिम्स वैसे भी क्रैक हो जाता है। तो जी हमने डाटा बता दिया, फिर हम लैंड प्रोडक्टिविटी फोकस हैज बीन नॉट लीड टू द गेन। अब कि हमें लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं देखनी है कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कि इन्होंने जैसे लैंड की प्रोडक्टिविटी बताई यहाँ पे दो अंडरलाइन कर दिया ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी अच्छी लगे। आंसर राइटिंग में आपका आंसर बहुत मैटर करता है, हेड राइटिंग और कैसे आप कॉपी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो एग्जामिनर होता है वो आपका ब्रेन नहीं चेक कर रहा है, आपको कितनी नॉलेज है ये नहीं चेक कर रहा। आप अपने आंसर के थ्रू ही बताएंगे कि आपको कितना नॉलेज है और कैसी स्किल है आपकी। तो फिर बता दें कि लैंड प्रोडक्टिव फोकस नॉट इन द लीड फॉर गेन, तो हमारी जो लैंड प्रोडक्टिविटी है वो गेन क्यों नहीं कर रहे हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ इरीगेशन एज पर 45% एरिया हाफ रेन फीडेड, तो हम बता देंगे क्या कमी रही कि जो हमारी जो 45% जो हमारी लैंड है वो डिपेंडेंसी है किस पे, ओनली फॉर द रेन लाइक मानसून पे डिपेंडेंसी, इसलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है चाइना से वो कम है। चाइना क्या यूज़ करता है, टेक्नोलॉजिकल और वो जेनेटिक क्रॉप्स को यूज़ करता है, वो क्रैश करता रहता है। अब चाइना का गन्ना देख लो, अनार देख लो, सेब देख लो, इंडिया से मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे जीन टेक्नोलॉजी करते हैं कि क्रॉप को मोर, और वहाँ पे जो हमारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। और ओवर इरिगेशन लाइक रन ऑफ एंड इवेपोरेशन वेस्ट करते हैं, ये हो गया। फिर 62% वेल एंड द ट्यूब वेल इरीगेशन ग्राउंड वाटर क्राइसिस, अब जो हमारा 62% है वो हमारा ओनली फॉर हम डिपेंडेंस है किस पे, कुआं पे हो गया, ट्यूब वेल्स पे हो गया, ग्राउंड वाटर पे हमारा क्राइसिस है क्योंकि। फिर डिग्रेडेशन लैंड जो हमारी लाइक हो गए चंबल्स एंड द विंध्याचल या विदर्भ वाले रीजन्स होगी, यह हमारा डिग्रेडेटेड लैंड है। फिर इरिगेशन रिलेटेड टू द वाटर वेस्ट लाइक इंडिया हैज़ 4% ऑफ द वाटर फ्रेश वाटर है, 4% फॉर द 80% पॉपुलेशन, जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो हमारे ओनली फॉर 4% है फ्रेश वाटर, जो हम पॉपुलेशन हमारे पास 18% है, ये बता रहे। फिर लैंड प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन नॉट बीन द पैनिक है, 86% फार्मर स्मॉल मार्जिनल है। अब चाइना में एक और बड़ा कंसर्न है, जैसे ये लैंड हो गई तो हमारे पास जो 86% है वो स्मॉल मार्जिनल है, उनके पास 1 एकड़ लैंड है, 2 एकड़ लैंड है, और चाइना में क्या है कि 1 फार्मर के पास 100 एकड़ लैंड है, या तो गवर्नमेंट उनको कमर्शियल ले लेती है। और अब जब जैसे मैं इतने एकड़ लैंड में अगर मैं कोई फसल क्रॉप करूँगा तो मुझे इसमें क्रॉप की, जैसे मैं क्रॉप कुछ भी करूँगा तो यहाँ पर सारी इरिगेशन हो गया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो गई, कुछ भी करना होगा सीड्स हो गया, ड्रोन के थ्रू मैं यहाँ से वो कर दूँगा तो यहाँ पे कॉस्ट कम आएगी, जबकि जो छोटे छोटे टुकड़ों पे हम करेंगे तो ये हमारा रीजन। फिर देयरफॉर नीड टू बी द मोर फॉर्म फॉर द लैंड प्रोडक्टिव इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिव सिटी हो जाएगी। फिर इफिशेंट आ जाएगा वाटर यूजेस फॉर वाइज माइक्रो इरिगेशन हम यूज़ कर लेंगे, कि जैसे ये क्रॉप है ये, और यहाँ से हम एक पाइप डाल दे देंगे, तो अब जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट हो गया, दूसरा ये प्लांट हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, ऐसे रो में जाएगा, तो यहाँ से क्या है एक होल कर देंगे, तो जितना नीड्स है वाटर की, रूट्स को नीड होती है, तो यहाँ से ये पाइप के थ्रू इसे हाइड्रोपोनिक बोला जाता है।
तो जितनी हमारी प्रोडक्टिव नीड्स है उतना हम यूज़ करेंगे। फिर प्रोडक्टिव वाटर कैन बी ऐसे द वाटर कोर्स फॉर डाउन टू द लाइक सर्कुलर एंड। फिर चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं ये भी बता देंगे। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी शिफ्ट, तो हम वाटर प्रोडक्टिविटी में चैलेंजेस क्या शिफ्ट कर रहे हैं ये बता देंगे। लाइक हाई कॉस्ट आ जा रहा है, टेक्नोलॉजी नए इंस्ट्रूमेंट फॉर माइक्रो इरिगेशन टेक्स 2-3 लाख एंड हेक्टेयर आ जा रहा है। लैक ऑफ एडिक्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर द ओन वाटर एंड वाटर टेक्नोलॉजी मिसिंग हो जा रहा है। वाटर रिलेटेड टू द डिस्प्यूट है हमारा बहुत ज़्यादा, ट्रीटी डिस्प्यूट है इंडिया का। तो ये हमारा हमारा जब पंजाब हरियाणा ये सारे रीजन्स में डिस्प्यूट है। इरीगेशन बायस है हमारा, दिस इज़ द प्रमोटर राइस ऑफ कल्टिवेशन क्रॉपिंग। इरीगेशन प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इन इक्वालिटी डू नॉट बेनिफिट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल सेक्टर। फिर हम क्या, अब हमारे नीड्स तो हो गए फॉलोइंग, फिर व्हाट इज़ द राइट टू फॉलोइंग द मेजर टू नीड्स, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो हम सेपरेटेड एग्रीकल्चर फेडरेशन फॉर द गुजरात रीजन में लाइक प्रिवेंट ग्राउंडनट्स, हम एक क्रॉप्स करेंगे ओनली, कि हमारा एक फील्ड में एक ही क्रॉप हो, हम एक एरिया में एक ही गन्ना पे गन्ना ही कर रहे हैं। तो यहाँ गुजरात के रीजन से सीखना चाहिए कि वहाँ ग्राउंडनट्स हमारा जो मूँगफली होती वही बस होता है। द फार्मर प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द माइक्रो इरीगेशन डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट हो जाएगी। फिर पानी पंचायती द स्लोवन डिस्प्यूट हो गया, स्कीम स्ट्रेंथनिंग, हमें स्कीम को बढ़ावा देना लाइक पीएम कृषि सिंचाई योजना के थ्रू आ जाना चाहिए। प्रोवाइड टू एडिक्यूट फॉर द क्रेडिट हमें देना चाहिए फिनटेक फॉर रेवोल्यूशन के लिए। फिर हम कंक्लूजन में क्या, दिस इज वुड बी द हेल्प टू इंश्योर दैट इरीगेशन वाटर इज राइजिंग फॉर द प्रमोट द वाटर सेंसिटिव लाइक सेंसिटिव इन एग्रीकल्चर फील्ड में। ये हम यहाँ पे कंक्लूजन दे दिए। तो कंक्लूजन हमारा इतना छोटा सा होगा जो 20 वर्ड्स का होना चाहिए। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कि ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी प्ले अनलॉकिंग फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया। तो एग्जामिन द रोल ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता देना, क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम और इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था। तो ग्रीन हाइड्रोजन का रोल बता देना। एनर्जी, ये एनर्जी सिक्योरिटी में इन इंडिया, हाउ कैन बी द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैन बी हेल्प टू अचीविंग फॉर एनर्जी गोल्स। दो हमारे सस्टेनेबल गोल हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्या हमारी एनर्जी को फुलफिल करेगा, अब ये बताना है। तो रिसेंटली बजट हमें बताया था, बजट में इसका अनाउंस किया गया 2023 थ्रो दैट द लॉन्चिंग फॉर द इतने करोड़ ग्रीन हाउस हाइड्रोजन मिशन के थ्रू। तो ये हमारा 1900 करोड़ उस पर हमारा ग्रीन। फिर एक्सप्लॉटेशन रोल ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सिक्योरिटी, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी में क्या इसका प्ले रोल है, क्रूशल रोल है क्या। तो हम पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता दें, अगर कोई भी, तो हम यहाँ पे प्रो बता देंगे कौन सी, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है। तो रिड्यूस द इम्पैक्ट बिल्स फॉर द ऑलमोस्ट 100 बिलियंस बाय 2014 तक। तो हमारा जो जो इम्पोर्ट है ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ ऑयल पे, अगर ग्रीन हाइड्रोजन से हम इसमें एक इन्वायरमेंट का भी बहुत कम, वाटर वेपर इसमें रिलीज होगा जो एटमॉस्फेयर के लिए भी फायदा है। फिर कहता है 2.1 टाइम्स मोर देन एफिशिएंसी मोर देन द पर किलोमीटर फॉर हाइड्रोजन पेट्रोलियम व्हीकल से, हाइड्रोजन और जो डीजल पेट्रोल व्हीकल से वो इतने 2 टाइम या 2.5 टाइम्स बहुत ज़्यादा है। फिर प्रमोट टू यूज़ है, ये रिनेबल है और ये अपलोडेड फॉर। फिर हम कौनस बता देंगे कि हानि क्या है इससे, लाइक हाईली इन्फ्लुएंसेबल है, स्टोरेज ट्रांसपोर्ट इशू है इसका, अब हम हाइड्रोजन लेके इतना सारा तो चल नहीं सकते। फिर इम्पोर्टेंट लाइक इम्पोर्ट फॉर द डिस्पेंस है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, ले हाई कॉस्ट में इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एनर्जी सिक्योरिटी, लैक ऑफ एडिक्यूट फॉर द पॉलिसी सच इज सो द अडॉप्टेशन में है। फिर फिफ्थ बता देंगे रिन्यूएबल पंचामृत गोल्स के थ्रू करती है। फिर इंडिजिनियस कैपेबिलिटी कैन बी एक्सपोर्ट फॉर द फॉरेक्स। फिर नॉन एक्सटेंसिव है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कैन बी हेल्प अचीविंग
क्या जो हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल करेगा क्या? सो हमारे तो हेल्प टू मूव ऑन द फर्स्ट लाइक ये 50% रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारे 500 गीगावाट हम इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी से जाएंगे। ये पंचअमृत का पंचअमृत में हमारे जो फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे हम गन्ना की खोई हो गई और हमारा जो ये पैडी क्रॉप्स की ये जो रॉ मटेरियल बचा उससे हम कैसे एनर्जी जनरेट करेंगे। फिर ब्रेकिंग टू इतने भी ट्रिलियन है इन्वेस्टमेंट ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन हम ग्रीन हाइड्रोजन से अगर करेंगे तो हम इकोनॉमिक जनरेट कर लेंगे। जनरेट टू इतने लाख जॉब, हम 6 लाख जॉब जनरेट कर लेंगे। 5 मीट्रिक टन हम एडिशनल कार्बन इमिशन फॉर गॉन, हम इतने टन हम कार्बन इमिशन बहुत कम कर लेंगे। बिल्ड द इंडिजीनियस कैपेबिलिटी टू ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी गोल्स हैं, दिस इज़ द लाइट एंड नीड टू प्रमोट, इनको हम प्रमोट करना चाहिए। फिर ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द फिल्टर टू इशू द पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन में क्या ये फिल्टर क्यों करता है, तो हैव इन द ईस्टर्न फॉर PLI लाइक पब्लिक लिंक इंस्टीट्यू की थोर इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग में दे देंगे। अब यहाँ पे हमने एक वो बता दिया है कि जो 2020 में हमारा इतना मीट्रिक टन था और ये 70 तो 50 तक 50 मीट्रिक टन इम्पैक्ट टू द प्रोजन फॉर फॉलिन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन हम कम कर लेंगे। स्ट्रेंथिंग फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट की द हैविंग द ग्रीन हाउस नॉर्म्स, प्रमोट टू द CNG हम एंड इन दिल्ली के लिए कर लेंगे एंड टैक्सिंग ग्रीन हाइड्रोजन रन ऑफ व्हीकल्स के थ्रू कर लेंगे। फिर वुड बी द इंश्योरिंग द हाइड्रोजन फॉर रिन्यूएबल सोर्सेज बिकम ऑफ द ड्राइव टू द स्टॉकहोम या अमृतकल्स या अमृतकल महोत्सव, तो 2014 तक का हमारा वो टारगेट है कि हम ग्रीन हाउस एमिशन कर लेंगे, तो ये हमारा अमृतकल महोत्सव में ग्रीन हाइड्रोजन बिकम हो जाएगा। तो ये हमारा इसके कंक्लूजन हो गया। अब मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ बीन द वेटेस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग मिनिमम वेज लिविंग वेज फॉर द रिसेंट टाइम्स, व्हाट आर द बेनिफिट एंड कॉन्सिक्वेंस फॉर द अडॉप्टेशन लाइविंग वेज फॉर इंडिया, तो हम हाल की दिनों सरकार के न्यूनतम पारिश्रमिक क्या जीवन निर्वाह की परिश्रम को अपनाने के विचार के भारत के जीवन निर्वाह से लाभ के विचार में विद्यमान कौन कौन सी बाधाएं आई हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ बीन द वेटेज द ट्रांसमिटिव फॉर मिनिमम वेज जो दिया जाता है लाइक 250 रुपये पर डे एंड लिविंग वेज रिसेंट टाइम्स जो लिविंग, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट उसके क्या है कॉन्टिनेंट फॉर द अडॉप्टेशन लिविंग वेज फॉर इंडिया, तो हम बता देंगे। पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है रिसेंटली ऑब्जर्वेशन दैट इज़ द मिनिमम वेज फॉर इंडिया एज द लीडिंग एंड द चैम्पियन फॉर द लीड लेबर्स टू लॉ, तो अब बता देंगे। ये तो हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। व्हाट इज द लाइट टू नीड नीन मिनिमम वेज लिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी लाइक आर्टिकल 59 प्रोवाइड टू द गुड्स एंड स्टैंडर्ड लाइफ हम प्रोवाइड करने आर्टिकल 49 के थ्रू। फिर इरोडेटेड पॉवर्टी लाइक स्टाइक 50% MIP रिपीट अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 0 हंगर नो पॉवर्टी, बिल्ड टू द ह्यूमन कैपिटल हम उससे बिल्ड कर लेंगे जो हमारी जो लिविंग है। फिर साइबर डिमेंशन लाइक दिस इज लाइक कोई पुअर है, फिर वो लॉ एजुकेशन के थ्रू लॉ एम्प्लॉयमेंट हुआ लो वेज कम प्रमोटेड टू अवेयरनेस गुड अवेयरनेस लाइक टू स्कीम हो गया लीड टू द बेटर एंड सोशल कैपिटल इज डेवलपमेंट रिड्यूस टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो लोगों के पास पैसा जाए। हाउएवर दैट इन द मेजरमेंट चैलेंजेस, अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ये बता देंगे। लाइक बैक कैश फॉर द प्रमोटिंग फॉर द इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड FDI बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है 90% इन फॉर्मल लेबर सेगमेंट फॉर द फॉलो द गाइडलाइंस ओनली एक्सपोर्टिंग गिग इकोनॉमी का जाएंगे जो ब्लू कॉलर जो रहा है। फिर डेली हाउस वर्क पर राइट्स वेब्स हो गए। फिर लैक ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट ज़्यादा इसमें लैक ऑफ द बजटरी बजट में इसका अलाउंसमेंट नहीं होता। लाइट दिस इज द लाइट द फॉलोइंग स्टेप, अब हम कौन कौन से स्टेप लेंगे। इट कैन बी द इम्प्रूविंग फॉर द लिविंग कंडीशन लाइक अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लाइक मनरेगा गया इसमें
अब हम उड़ीसा की दे देंगे, मुकुत्र या मुकता स्कीम आ जाएगा। रिस्पॉन्स सोशल रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग राजेश फॉर फ्रेंड से नीति आयोग के थ्रू दे देंगे। स्किलिंग फॉर आल्स, अब यहाँ पे हम सबको स्किल दे देंगे, तभी तो वो शारदा प्रसाद कमेटी के थ्रू। फिर जॉब क्रिएशन हम दे देंगे एमएसएमई रिफॉर्म लाइक यूके सिन्हा कमेटी के थ्रू। फिर लिविंग वेज हम कोलेब्रेशन विद द प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमिक्स, वहाँ पर हम लोगों को सिखाएंगे गिग इकोनॉमिक वर्कर्स, दोज वर्कर हु हैव वर्क ऑन लाइक प्लेटफॉर्म स्विगी जोमेटो एंड फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये गिग वर्कर्स होते हैं। दैट आर प्रोवाइडेड डिफरेंट मोर ऑफ द लेबर फॉर एम्प्लॉयमेंट, एसएमई रिपोर्ट जारी करती है तो पोर्टल। फिर हम कंक्लूजन में क्या जाएंगे कि दिस वुड बी द हेल्प फॉर द इम्प्रूव लिविंग वेज कंडीशन एंड इंडिया हैव 5 ट्रिलियन का टारगेट, तो इकोनॉमी हम थर्ड बन जाएंगे। तो हम ऐसे ऐसे अपने लोगों को रोज़गार देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, तभी तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक को अचीवमेंट कर पाएंगे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके बच्चे 6 क्वेश्चन। थैंक यू।